experience as playing as Nargis Sachi? Well, it's been an honor to play her. She's such a legendary figure, and I feel, you know, Raji offering me this kind of a role. I was a little, pehle to main thoda sa, I was nervous and stuff like that, but baad mein, to be part of such a beautiful film and to play Nargis Dajji is a great honor, I feel. Okay, kya matlab research kahe ki aap, you know, kuch film mein dekhi aapne Nargis Ji, kis tarah se isme इसमें बेसिकली मैंने राजी ने मुझे दिखाया क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज तो उसको देख के मैं आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नरगिस दज्जी देन प्रिया दज्जी मुझे मिली उन्होंने मुझे किताब दिया तो वो उसको देख के उसे पढ़ के मुझे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर स्पिरिट हर सोल हर दिस थिंग एंड सो दैट्स हाउ इट इज जी नहीं नहीं किया था मैंने आई डिड नॉट गेट दैट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू फॉलो द डायरेक्टर्स विजन और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके दिया था जो भी मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछने थे तो आई आस्क्ड हिम आप संजय दत्त के साथ पहले काम कर चुकी हैं तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे कैसा था मैं संजय दत्त की फ़ैन रही हूँ तो जब मैं स्कूल में थी तो रॉकी रिलीज हुई थी सो फिर उसके बाद सालों के बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला So I was always in awe of him and he's always been my, you know, star and hero and that kind of a person, you know, somebody that you see from a distance and admire. So, you know. Sanjay Dutt ke bare mein ye bhi kaha jata hai ki he has a heart of gold. To kya unhone kabhi aapke liye aisa kuch kiya jo aapke dil ko bahut chhu gayi ho baat? Basically, Baba is on heart. He is a person who has a heart of gold, rightly said, and the qualities that I've seen in him is that from a spot boy to the lightman to the big directors to big actors to actresses, whoever, they actually love him because he's full of love and affection and वो ऐसा कुछ differentiate नहीं करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन किसके साथ वो कभी भी क्या कहते हैं दिमाग से calculative ढंग से वो गए नहीं दिल से गए हैं तो हाँ जी काफ़ी थी एक्चुअली मैं फिल्मों की बहुत बड़ी फैन रही हूँ और जब मैं छोटी थी तो मैंने मासूम देखी थी उसमें जो यंग लोग थे उसमें काफ़ी मुझे पसंद आए थे और शबाना आज़मी थी शबाना आज़मी जी की मैंने अर्थ देखी तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन रही हुई हूँ और काफ़ी एक्ट्रेसेस का काम देखा एक्टर का काम देखा और यू नो आई जस्ट फैंटास्टिक ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी हार्ड वर्किंग आई थिंक ही इज़ बॉर्न फॉर जीनियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड यू नो एक्टिंग इज इन हिज ब्लड हिज वेरी प्लेजेंट पर्सन टू वर्क विद because bahut hi acche well behaved and you know well brought up person you know lagta you know and I was really shocked when I saw the rushes of Sanju I could not differentiate between the Ranbir Kapoor and Sanjay Dutt he unhone itna acha itna badhiya kaam kiya sir ne so rajkumar sir ne aapko baad mein Nargis ke roop mein aap sabke samne laya lekin sunil dutt ke sath bhi kya aapko collaboration thi jo aap iske sath koi बेसिकली मेरी जब फिल्म बॉम्बे रिलीज़ हुई थी तो सुनील दत्त साहब ने अपने थिएटर अजंता आर्ट्स में ट्रायल शो रखा था और उसमें वो ही सॉ द फिल्म और उसके बाद मुझे तुरंत फ़ोन किया था कि बेटा मैंने तुम्हारी फिल्म देखी और मुझे बहुत नरगिस दत्त जी की याद आई तो आई फेल इट्स सच अ ग्रेट ऑनर सच अ ग्रेट यू नो अप्रिसिएशन ऑफ माई वर्क एंड आई वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि बरसों बाद मैं उनका किरदार करूँगी नरगिस दत्त जी का कैरेक्टर मुझे करने को मिलेगा मुझे ये नहीं मालूम था मनीषा जी ऐसे भी आपने कहा रणवीर ने बखूबी निभाया है संजय दत्त के इस किरदार को अलग अलग फेस हो जाए उनकी लाइफ के आप पे अगर आपकी लाइफ पे बात बने कौन लगता है बॉलीवुड में से कौन प्ले कर आप किसे चाहोगे
अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक आई वांट टू मेरे लाइफ पे कोई फिल्म बने लेकिन या इफ इट्स देन मे बी कंगना और मे बी आलिया आई डोंट नो मे बी ईदर ऑफ देम सो वैसे तो हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है लेकिन संजू मूवी करके आपको ऐसा लगा कि संजय दत्त और आपकी लाइफ में कुछ सिमिलैरिटी रही है I guess the fact that we suffered so I guess that but I don't think there's anything similarities in that. वैसे आप कैंसर से बैटल करके जीती हैं और नरगिस जी की डेथ अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हुई थी तो क्या वो पार्ट वो दौरान जब आप जी रही थी तो क्या इमोशनल हो रही थी या फिर आपने जस्ट एज अ रोल नो एक्चुअली मैं इस रीज़न से ज़्यादा एप्रिहेंसिव थी कि मुझे वो मेमोरीज़ मुझे रीलिव नहीं करना था और मैं जानती भी नहीं थी कि मैं वो रीलिव कर पाऊँगी या नहीं तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा एप्रिहेंशन था क्योंकि एक तो राजी की फिल्मों की मैं फ़ैन रही हूँ और मेरे फेवरेट को स्टार के ऊपर फिल्म बन रही है तो मैं आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बट अगेन द फियर ऑफ to relive relive those moment was quite strong so I was very apprehensive because of that to set par kaisa tha nahi actually fir maine ye sir se bol diya ki mujhe thoda sa dar lag raha hai sir main kar paungi nahi kar paungi to unhone kaha it's not the film doesn't revolve around that situation aur isme zyada hum dwell nahi karenge so don't worry about it so I got you know Nargis ji Sanju ji ko bhi aap kuch jante ho to picture mein jo life dikha hai Sanju ko aap real mein jante ho kitna difference hai aapko ye sab नहीं ये तो रियल लाइफ के ऊपर बनी है तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप जितना जानती हो उनको काफी उतार चढ़ाव थे कुछ कई सारे थे जो थे हमको पब्लिक को भी नहीं पता तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चली होगी तो क्या हाँ बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ के बारे में मुझे पता नहीं था और इस फिल्म को जब मैंने देखा कुछ दिनों पहले तो मुझे लगा ओ माई गॉड यू नो सो मच हैज गॉन यू नो सो मच हैज हैपेंड तो ये सब आपको आप लोगों को भी लगेगा एक्चुअली प्रस्थानम वेल आई वॉज सुपर थ्रिल महा थ्रिल दैट आई गॉट टू वर्क विद हिम अगेन एंड इट्स हिज होम प्रोडक्शन एंड इट्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ फिल्म एंड द ओरिजिनल डायरेक्टर इज मेकिंग द हिंदी वर्जन इज वेल It's a family drama, action-packed and political family dramas and it's a typically that kind of a mold of a film, you know, and I'm really excited about it. So did you get confused between original Sanjay and real Sanjay? Yes, I did. I absolutely did. I did not know when Ranbir, I saw him, Ranbir playing Sanjay Dutt, I could not really say, is it really? That's Ranbir Kapoor playing Sanjay Dutt. I thought it's so close to the reality. He's acted so beautifully. Take the last two questions please. What was the most challenging thing for you Well actually I just wanted to, because everybody is so top notch in this movie I just wanted to be as good as other people and I guess that was the most challenging thing Okay just few days to go audience se kuch kehna chahenge मैं तो बस सबको आप सबको बोलूँगी कि आप आए थिएटर में आए एंड प्लीज़ वॉच द फिल्म यू वोंट गो डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू नो ये फिल्म आपको हंसा देगी आपको रुला देगी एंड आई एम श्योर यूल यू नो लीव द थिएटर विद लॉट्स इन योर हार्ट थैंक यू सो मच थैंक्स थैंक यू